अगली खबर आ रही है खरगोन जिले से, जहां औद्योगिक क्षेत्र निमरानी में 11 नवंबर को जिला प्रशासन द्वारा अवैध डीजल और मिक्स लिक्विड तथा गेहूं यूरिया के अवैध संग्रहण व विक्रय पर कार्यवाही की गई थी। इस पूरे मामले में गेहूं और यूरिया के अवैध रूप से संग्रहण व बिना लॉट नंबर, विक्रय दर आदि के होने पर FIR दर्ज कराई जा चुकी है। इस पूरे मामले को लेकर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने कहा कि डीजल, पेट्रोल व मिक्स लिक्विड के 9 सैंपल भोपाल भेजे गए थे। सैंपल्स की जांच रिपोर्ट में बायोडीजल के सैंपल अमानक स्तर के पाए गए। साथ ही निमरानी क्षेत्र में जांच के दौरान जो जो भी अवैध धंधे से जुड़े भवन व अन्य निर्माण है वे भी तोड़े जाएंगे। इसी के चलते गुरुवार सुबह प्रशासन ने अवैध रूप से संचालित हो रहे बायोडीजल पंप और यूरिया गोदाम सहित 3 स्थानों पर बुलडोजर चलाकर पक्के निर्माण को तोड़ने की कार्यवाही शुरू की है। यह कार्यवाही गुरुवार सुबह शुरू हुई। इस दौरान प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल और प्रशासनिक अमला मौजूद था। इस मामले में कलेक्टर कुमार ने कहा कि जांच में पाया गया कि सारे निर्माण अवैध है। उनकी जहाँ भूमि है वहाँ निर्माण नहीं है, निर्माण किसी अन्य स्थान पर और बिना अनुमति के किए गए हैं। जो भी अवैध निर्माण है तोड़े जाएंगे। इतने सुंदर सुंदर गहने लाए, दुल्हन के रूप में चार चांद लगाए। के रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।